दोस्तों, आजकल कंप्यूटर यूज़ करना एक आम बात है और आजकल हर काम के लिए हमें कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता हो, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हों या आप किसी तरह के ऐसे व्यवसाय में हों जिसमें कि कंप्यूटर का यूज़ बहुत हो, जिसमें डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग ऐसे व्यवसाय हैं। ध्यान रखने की बात ये है कि हम बहुत समय जब इन इन कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे स्पेंड करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमारी नेक मसल्स, बैक मसल्स में स्ट्रेन आना शुरू हो जाए और हमें बहुत तरह की समस्याएं इनकी वजह से हो सकती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी सावधानियां हैं जो हम ले सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम की जगह पे, जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो आज हम इनके बारे में कुछ बात करते हैं। कुछ ध्यान रखने की बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात है जब हम लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करें तो उसकी दूरी कम से कम हमारे एक हाथ के डिस्टेंस पे हो, कम से कम वन आर्म अपार्ट। जो टॉप ऑफ द स्क्रीन हो वो करीब हमारे आई लेवल से जस्ट नीचे हो जब हम उसको देख रहे हों, जिससे कि अगर, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा या बहुत नीचे होगा तो हमें अपने आईज़ को ऐसे ऐसे रखना पड़ेगा। इसलिए अगर हम जस्ट उसको अपने आई लेवल के नीचे मेंटेन कर सकेंगे तो वो काफ़ी ठीक रहेगा हमारे लिए। उसके अलावा खास ध्यान रखने की बात यह है जब हम हमारा जो हम टाइपिंग करें तो अपने हाथ को हम टिका के नहीं रखें कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग करते टाइम, बल्कि हाथ को फ्री रखें टाइपिंग के लिए। जब अगर हम माउस का प्रयोग करते हैं, कई बार लोग माउस बहुत दूर रखते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने आप को यूँ स्ट्रेच करना पड़ता है बहुत ज़्यादा माउस के यूज़ के लिए, जो कि बहुत गलत है। तो माउस को ऐसे रखें कि जहाँ हम कंफर्टेबली अपने हाथ, शोल्डर, नेक को रिलैक्स पोजिशन में रख के और माउस को यूज़ कर सकें, ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। उसके अलावा साथ ही बहुत ज़रूरी है कि जो चेयर हम यूज़ करते हैं ऑफिस में या घर पे अपने काम के दौरान, जब चेयर की बात करें तो सबसे पहले चेयर चूज़ करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि चेयर में एक अच्छा बैक सपोर्ट हो, कर्व हो, जो हमारी कमर के लिए यहाँ हो, और जब हम बैठें तो हम पूरी डेप्थ ऑफ द चेयर में बैठें जिससे कि पूरा सपोर्ट रहे, और जो चेयर की जो एज हो वो हमारे घुटने और एज के बीच में अराउंड 3 to 4 फिंगर्स का गैप हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारी चेयर की, अगर हम चेयर पे बैठने का सही पोजीशन नहीं होता तो हम या तो पैर को बहुत सामने रखते हैं या बहुत नीचे की तरफ दबाते हैं, जिससे कि हम पुश कर सकते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को जो घुटने के पीछे होते हैं, नर्व्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, जिससे कई लोगों को सुन्नपन या झंझनाहट की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि हम ध्यान रखें कि चेयर पे हमेशा कॉर्नर में और पैर को नीचे दबा के ना बैठें। उसके अलावा जब हम चेयर की बात करें तो जो आर्मरेस्ट हैं उनकी, आजकल जो चेयर्स आ रही हैं उनमें आर्मरेस्ट एडजस्टेबल हाइट के होते हैं, तो आर्मरेस्ट को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए हाइट को कि जब हम बैठें तो हमारा बहुत ऊंचा नहीं हो आर्मरेस्ट कि कंधा ऐसे जा रहा हो, या बहुत नीचे नहीं हो कि कंधा नीचे जा रहा हो, इट शुड बी इन न्यूट्रल पोजिशन। उसके अलावा बैठते टाइम ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आर्मरेस्ट को अगर हम हो सके तो अपने कीबोर्ड के लेवल में अलाइन कर लें, जिससे कि जो हमारा टाइपिंग वर्क है वो बहुत आसानी से हो सकता है। और बैठते समय अगली विशेष चीज़ ध्यान रखने की यह है कि हर आधे पौन घंटे में अपनी पोजीशन चेंज कर देने। एक तरीका तो यह है कि आप अपनी चेयर से उठ जाइए, थोड़ा वॉक करके पानी पीने के लिए, वॉशरूम तक जाने के लिए ध्यान रखें, या अगर वो नहीं कर पा रहे तो अपनी कुर्सी के अंदर ही अपनी पोजीशन चेंज करते रहें, कभी थोड़ा सा आगे सरक के बैठ जाएँ, कभी थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएँ, या कभी थोड़ा लेफ्ट या कभी थोड़ा राइट। बट ध्यान ये रखें कि जो भी करें वो दोनों लेग्स के साथ में करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉस लेग सिटिंग हम एडवोकेट नहीं करते हैं। कुछ बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं अपने दिन भर भर के रूटीन के अंदर काम करते करते, जिससे कि हम अपनी नेक और बैक की मसल्स को रिलैक्स कर सकें। उनमें सबसे कॉमन एक्सरसाइज ये है कि अगर हम हर 2 घंटे के अंदर शोल्डर्स को इस तरीके से ऊपर उठाएँ और होल्ड करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स, और ऐसे 8 से 10 बार करते रहें, तो बहुत हद तक हमारी जो नेक मसल्स हैं, ट्रेपेजियस मसल्स हैं, इनको हम रिलैक्स कर सकते हैं। उसके अलावा जो आमतौर की भाषा में जिसे हम अंगड़ाई लेना कहते हैं, वो बहुत अच्छा पोजीशन है अपनी अपर बैक की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। तो हम हर 2-2.5 घंटे में अगर अपने आप को ऐसे 8-10 बार यूँ स्ट्रेच कर सकें तो बहुत अच्छा है। और एक और विशेष चीज़ जिनका सिटिंग वर्क बहुत रहता है, एक एक्सरसाइज जो हम और कर सकते हैं वो शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइजेस। उसके लिए हाथों को यूँ रख के और पीछे की तरफ ले जाना है कंधों को और रिलैक्स करना है, पीछे ले गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और रिलैक्स। ये भी बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज हैं अपर बैक के लिए। उसके अलावा लंबी सिटिंग में बैठने वालों के लिए एक समस्या और होती है कि पैरों में सूजन आ जाती है ग्रेविटी की वजह से, और पैर सूज जाते हैं दिन भर बैठे बैठे रहने से। तो आप पैरों को सामने रख के और पैर के पंजों को यूँ जल्दी जल्दी चलाएं, तो हर ऐसे 2-2.5 घंटे में अपन अगर ऐसे 20-25 बार जल्दी जल्दी इन पैरों को चलाएंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा और पैरों में सूजन भी नहीं आएगी।